सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर तक। आई एम सॉरी, एक्चुअल में हमको बीच में वीडियो कभी कभी कट करना पड़ जाता है, वो आप भी देख रहे होंगे कि एकदम एट बहुत ही ऑड टाइम पे कट होता है वीडियो। उसके रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी भी मेरे फ्रेंड का या किसी भी मेरे मम्मी पापा का या पेरेंट्स का कॉल आ जाता है फोन पे, तो उस टाइम पे फिर वो कॉल जैसे ही आता है तो जैसे ही कॉल रिंग करके खत्म होगा तो वो वीडियो कट हो जाता है वहीं से, तो फिर मेरे को वापस से रिकॉर्ड करना होता है। इसलिए डबल डबल मेहनत ना पड़े तो मैं उतना पार्ट अपलोड कर देता हूँ, फिर उसके आगे का पार्ट अपलोड कर देता हूँ, वो मैं अपने लिए करता हूँ, मेरी सहूलियत के लिए। तो आई होप आप लोग समझोगे इस बात को। और हाँ, वैसे तो मैं फ्लाइट मोड पे लगा के करता हूँ, बट कभी कभी भूल जाता हूँ तो वो उसका फिर वीडियो कट हो जाता है मेरे से। तो आई होप आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसके। जस्ट मैं पार्ट वाइज बनाता जा रहा हूँ, आप जस्ट अगला पार्ट देखिए, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे थे, हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहाँ पे निकाल ली थी। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन भूल गया हो तो मैं आपके लिए एक बार ये रिवाइज करवा दूं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस थे जिनकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच थी और वो जो है कोएक्सियली प्लेस किए गए थे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब कहा गया था कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, तो हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको निकालना सिखाया है अच्छे से और आप आई थिंक इजिली निकाल ले जाओगे, ये आपकी फोकल लेंथ आएगी। मैंने अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर आप एक बार देख लो, पार्ट 12 है शायद वो, कि पार्ट 11 है शायद वो, उतना कंफर्म नहीं मेरे को, शायद पार्ट 11 है। तो उसमें जो है यहाँ पे मैंने आपको जो है फोकल लेंथ निकालनी बताई थी, उसमें पूरा मतलब सिखाया है कि कैसे निकलेगी ये। अब इस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास आ गई, अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के बाद यहाँ पे पोजीशन और प्रिंसिपल पॉइंट्स निकालने को कहा है। तो L1, L2 और P1, L1 P1 और L2 P2 L1 P1 और L2 P2 से हमारी क्या आएगी, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स आएंगी और वो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पोजीशन ऑफ पॉइंट्स प्रिंसिपल पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट लेंस, और ये कितना होता है, पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं L1P1 से, और ये होता कितना है, पहली बात तो ये प्लस में रहता है और DF अपॉन F2 रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा L1P1 आएगा कितना आएगा, D कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर अपार्ट, तो D4 इंटू F कितना है 16/3 हमने निकाला, डिवाइडेड बाई F2 हमारा F1 और F2 दोनों 8 सेंटीमीटर के बराबर आया था। तो ये हमारा आया, यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 16 / 8 × 3, सो 2 × 8/3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 2.67। तो यहाँ पे हमारा 2.67 सेंटीमीटर आ गया, वो भी प्लस में आ रहा है, दिस मींस कि राइट हैंड साइड में होगा हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट होगा फर्स्ट लेंस के। तो L1P1 की वैल्यू यहां से हमारी कितनी आ गई, 8/3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 2.67 सेंटीमीटर। तो ये आपका L1P1 आ गया। सेम यही प्रोसेस लगेगा पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम सेकंड लेंस से निकालने के लिए। तो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन अगर हम सेकंड लेंस से निकालेंगे तो उसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, L2P2 से, और दैट उसका फॉर्मूला क्या है, DF/F1 माइनस में होगा उसका फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि जनरल फॉर्म में मतलब जनरल तौर पे जब हम निकालते हैं अपने डायग्राम से
तो हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट आता है वो हमारे सेकंड लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में आता है, इस वजह से माइनस साइन लगेगा। तो जो हमारा L2P2 होगा वो कितना आएगा, माइनस ऑफ 4 इनटू फोकल लेंथ कितनी है 16/3 डिवाइडेड बाई F1 भी हमारा 8 है यानी इनटू 8। अगेन हमारा कितना आएगा, माइनस 8/3 आएगा आपकी बार, विच विल बी इक्वल टू 2.67 सेंटीमीटर। सो जो हमारा L2P2 आ रहा है ये कितना आ रहा है, -8/3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू -2.67 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, L2P2 आ गया। अब L1P1 और L2P2 को हम यहां पे लिख देते हैं, कितना आया है 8/3 विच इज इक्वल टू 2.67 सेंटीमीटर, और L2P2 कितना आया है 8/3 विच इज इक्वल टू -2.67 सेंटीमीटर, -8/3 आया है। तो ये हमारा कितना आ चुका इसका रिजल्ट, मैं इसको अभी रेस कर दे रहा हूं। ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो इरेज कर दें इसको। प्रिंसिपल पॉइंट्स की पोजीशन हमने यहां पे निकाल ली, तो अब क्या करते हैं हम, हमको क्या निकालना है, ऐसी पोजीशन निकालनी है हमारे ऑब्जेक्ट की जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी जो इमेज है वो कहां बने, इनफाइनाइट पे। तो इंफिनिटी पे अगर हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, दिस मीन्स कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा है। पहली बात तो देखिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसी आई है, 5.33 आई है प्लस में। अगर आपको नहीं दिख रहा ये तो ये देखिए, आई एम सॉरी शायद वो दिख नहीं रहा था, कवर नहीं हो रहा था वहां से। तो ये आपका है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आ रही थी 5.33 यानी 16/3 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आ रही थी। दिस मींस कि जो आपका ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि हम कहां पे पॉइंट रखें जहां से जो रेज निकलेगी वो हमारे एक्सेस के पैरेलल हो जाए, तभी ना वो इंफिनिटी पे जाके इमेज बनाएगा हमारे ऑब्जेक्ट का। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे होना चाहिए, फोकस पे, और कौन से फोकस पे होना चाहिए, फर्स्ट फोकस पे। क्यों, क्योंकि अगर पैरेलल रेज आएंगी और जिस फोकस से कन्वर्ज हो रही हैं वो फोकस हमारा सेकंड फोकस कहलाया जाता है, और वो पॉइंट जहां से अगर हमारी रेज निकले और पैरेलल हो जाए वो फोकस हमारा कौन सा फोकस कहलाता है, फर्स्ट फोकस कहलाता है या वो पॉइंट। तो इस केस में हमें फर्स्ट फोकस की पोजीशन फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लेंस। अब देखिए बात यहां पे आती है कि ये फर्स्ट फोकस की पोजीशन हमको कहां से फाइंड आउट करनी होगी। तो इस चीज का आंसर देने के लिए सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट की थोड़ी सी क्लियरिटी यहां पे करवानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने अपना ये डायग्राम बनाया, हमने अपना ये पहला लेंस बनाया, ये दूसरा लेंस बनाया, हाँ, और हमारा जो पहला प्रिंसिपल पॉइंट है वो हमारे पहले लेंस के राइट हैंड साइड पे आया कहीं यहाँ पे, और दूसरा प्रिंसिपल पॉइंट हमारे पहले लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे आया, सेकंड लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे आया यानी यहाँ पे। तो ये और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लेन हो गया, है ना, और ये हमारे इन दोनों प्रिंसिपल प्लेन के करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल पॉइंट हो गए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये एक ऐसे लेंस की तरह काम कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 5.33 सेंटीमीटर है। अब हमको यहां पे एक ऐसा लेंस दिखाना है जहां से लाइट निकले और यहां पैरेलल चली जाए। तो अगर हम सच में मान लेते हैं कि यहां पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया हमको जहां से हमारी रेज निकल रही है और पैरेलल चली जा रही है, तो वो रेज कुछ ऐसे निकलेंगी, उनको जाना चाहिए था सीधे,
बट यहाँ से हल्का सा डाइवर्ज होंगी और फिर ऐसे जाना चाहिए था बट यहाँ की वजह से और डाइवर्ज होकर पैरेलल हो जाएंगी, ऐसा ही कुछ होगा है ना। यानी कि हमको करना क्या है, यहां से हमको क्या दिखा, ये जो पॉइंट है ना ये हमारा फर्स्ट फोकस है। अब इस फर्स्ट फोकस की पोजीशन हम कहीं से भी निकाल दें, चाहे हम P1 से निकालें, चाहे हम P2 से निकालें, चाहे हम L2 से निकालें, चाहे हम L1 से निकालें, मतलब हमें पता लग जाएगा कि L1 की पोजीशन ये थी लेंस 1 की, लेंस 1 से इतने सेंटीमीटर इधर, या फिर L2 की पोजीशन इधर थी, लेंस 2 से इतने सेंटीमीटर इधर। तो हम क्यों फालतू लेंस 2 P1 P2 इन सब के चक्कर में पड़े, जब हमने पहले ही L1 F1 की वैल्यू निकालना सीखा हुआ है, उसका फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है ना। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल ये कहेंगे कि भैया जो ऑब्जेक्ट हमारा, जिसकी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इस कॉम्बिनेशन पे अगर रखा जाए और उसकी इमेज अगर इंफिनिटी पे बने, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा किस पोजीशन पे रखा जाएगा, एट फर्स्ट फोकस, और फर्स्ट फोकस की जो पोजीशन है वो कहां पे होगी, तो पहले लेंस से इतने सेंटीमीटर इधर। अब वो इतना सेंटीमीटर हम इधर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कितना सेंटीमीटर है, तो L1 F1 का फॉर्मूला आप सबको मैंने रटाया था क्या होता है, आइए चलिए रिवाइज करते हैं। L1 F1 का फॉर्मूला होता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है ना लेंस के, तो माइनस होगा कंफर्म, और फोकल लेंथ हम कॉमन ले लेते थे, अंदर बचता था 1 - b / f। अब कौन सा f बचेगा, 1 निकालना है तो 2f बचेगा, मतलब कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। फर्स्ट फोकल पॉइंट निकालना है तो सेकंड फोकल लेंथ की यूज करेंगे, और फर्स्ट सेकंड फोकल पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट फोकल लेंथ का यहाँ पे यूज होगा। आप एक बार मैच कर लीजिए फॉर्मूला से फिर से, तब तक मैं भी कंफर्म हो जाऊं, जैसे मुझे पता है फोकल पॉइंट का L1F1 - f/1 - d/f2 ठीक, तो बिल्कुल सही यहाँ पे हमारा। तो बस हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, F हमको पता है, D हमको पता है, F2 हमको गिवन है ना। तो हम आराम से L1 F1 निकाल लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी तो हम कह देंगे कि जो हमारा वो जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होनी चाहिए वो हमारे लेंथ 1 से इतने सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड होनी चाहिए। तो आइए चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे कि द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी इज द फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट होना चाहिए ना, पोजिशन ऑफ द फर्स्ट फोकल पॉइंट फर्स्ट फोकल पॉइंट की पोजिशन क्या होगी, दैट विल फर्स्ट फोकल पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट लेंस दैट इज L1 F1 विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F ब्रैकेट में 1 - d/f2 और ये हमारा कितना आएगा L1 F1 इज इक्वल टू F कितना है हमारा -16/3 इंटू 1 - d यानी 4/f2 यानी 8 यानी ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1 - 1/2 आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू -8/3 विच इज इक्वल टू -2.67 सेंटीमीटर। सो L1 F1 विल बी इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -2.67 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी पोजीशन जहां पे आपको अपना ऑब्जेक्ट रखना होगा, जिसके लिए उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस जाके जाके फॉर्म होगी। तो इसको नोट कर लीजिए आप, और फिर चलते हैं हम इसके डायग्राम की तरफ, और उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा।
सो आई होप आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं हम अब इसके डायग्राम की तरफ जो कि बहुत ही इजी रहेगा। इसकी वैल्यू लिखे हम वैसे वरना भी रब कर देते। L1 F1 की वैल्यू कितनी आई है भाई? -8/3 आई है, वो हम समझ जाएंगे 2.67 माइनस में। तो इसका अब हम डायग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सेस बनाएंगे एक अपनी, तिरछी बन गई क्या? नहीं सीधी बनी है, ठीक है थोड़ी सी तिरछी है यहां से। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है। यहां पे कैसे दो कॉन्वेक्स लेंस रखे हैं, तो पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। दो कॉन्वेक्स लेंस हैं। अब क्या कह रहा था कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट हमारा कहां आएगा? फर्स्ट लेंस से 2.67 सेंटीमीटर उस तरफ। देखिए पहले एक बात क्लियर कर दें, ये L1 है, ये L2 है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? F1 से डिनोट की गई है, इसकी भी +8 है सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ भी F2 से डिनोट की गई है और +8 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर से दिया गया है। और बस, तो पहला हमारा प्रिंसिपल पॉइंट कहां लाई कर रहा है? ऑन द राइट साइड ऑफ द फर्स्ट लेंस, पहले लेंस के राइट साइड पे कितना? 2.67 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर बीच में आ जाएगा और 6-7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट यहां पे कहीं आएगा। इतना करेक्ट नाप के लिए बनाना होता है, बस अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है आपको डायग्राम बनाते हो। P1 आएगा ये आपका, और P2 कितना आएगा? -2.67 सेंटीमीटर, यानी लेंस 2 से 2.67 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड, यानी वो यहां कहीं आएगा P2। तो ये जो हमारा बनेगा और ये जो प्लेन बनेगा हमारा, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन और ये आ जाएगा आपका सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। अब हमको क्या करना है, यहां पे हमको डिस्टेंस लोकेट कर देना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी 8/3 सेंटीमीटर, दिस विल बी 8/3 सेंटीमीटर, और किस तरफ होगा ये? ये L2 P2 है, सो दिस विल बी -8/3 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस विल बी +8/3 सेंटीमीटर। L1 F1 यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पे रखा जाएगा? -8/3 सेंटीमीटर यानी कि L1 से माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 8/3 सेंटीमीटर यानी कि इतना डिस्टेंस लगभग रखा जाएगा। तो ये यहां कहीं हमारा आएगा, तो दिस डिस्टेंस विल बी -8/3 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी द पोजीशन ऑफ F1 व्हिच इज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट O। ठीक, तो यहां पे हमारा कंप्लीट होता है, ये डायग्राम भी कंप्लीट होता है और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आप चाहे तो यहां पे आप बना सकते हो रेन डायग्राम, बट उतना कुछ खास जरूरत नहीं। यहां से रे निकली और ये डिफ्लेक्ट हुई यहां पे और फिर ये हमारी पैरेलल चली गई इसके, और सिमिलर तरीके से यहां पर रे आई, ये डिफ्लेक्ट हुई इसके और ये पैरेलल चली गई इसके। तो ये हमारा जहां पे जा रही है वहां पे इंफिनिटी पे जाके हमारी इमेज इसकी बनाएगी। पैरेलल रेज गई है, पैरेलल रेज बनाइएगा मेरे से अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो तो। तो ये हमारी रेज कैसी जा रही है? पैरेलल जा रही है। तो डायग्राम आप बना लीजिए।
सो ये रहा डायग्राम आपका, इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 2.67 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस टू इट्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सेस, या फिर ब्रैकेट में आप करके लिख सकते हो एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट। तो आई होप आपने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया होगा, इसको पॉज करके आराम से ड्रॉ कर लीजिए आप। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस से बोर्ड की तरफ। सो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा खत्म होता है और होपफुली हमारा जो कार्डिनल पॉइंट्स का टॉपिक था यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि जितने भी नोट्स हैं वो मैं आज की डेट में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा इसका। और आपका जो लीनियर अलजेब्रा जो चल रहा है साथ ही साथ उसका भी हम जो उसकी प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरे मिल जाएंगे इसके। और जैसे कि मैं नोट्स बता रहा हूँ बार बार कि अगर आप हमारे इसी बैच के, मतलब बैच क्या बताऊं, ये तो यूट्यूब पे है, मतलब अगर आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ रहे हो अभी आज के टाइम पे जिस डेट पे ये वीडियो अपलोड हुई है, तो आपको इतनी नोट्स मिल पाएगी जितना हमने पढ़ाया है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, आप एक साल दो साल बाद ही वीडियो देख रहे हो, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, स्क्रोल करके सबसे नीचे आपको फुल नोट्स पूरी मैं जो है वहां पे प्रोवाइड कर दिया होऊंगा तब तक होपफुली। तो एक बार आप चेक जरूर कर लेना, बिकॉज जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा मैं वैसे वैसे नोट्स देता जाऊंगा और एट द एंड मैं पूरी नोट्स एक पीडीएफ में लिख करके प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो जिनको भी मतलब बाद में जो पढ़ रहे हैं वो पहले नोट्स प्रिंट आउट करवा लें और फिर वीडियो से देख के नोट्स मैच करते करते पढ़ते जाएं, रिवीजन करें नोट्स का। ज्यादा टाइम देखिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूं, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में चाहे आप जहां भी जाएं, चाहे आप सीएमपी के हों, एडीसी के हों, आईएसडीसी के हों, कोई मतलब नहीं पड़ता है, चाहे मेन कैंपस के हों, टाइम आपका यूनिवर्सिटी बहुत बर्बाद करवाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना टाइम बचाओ, आप अपनी एनर्जी बचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई आपकी टाइम और एनर्जी बचाने नहीं आएगा और ना ही कोई आपको बताने आएगा कि आपको अपनी टाइम और एनर्जी बचा के चलनी है। फर्स्ट ईयर में भी नहीं बताया किसी ने और सेकेंड ईयर में भी कोई नहीं बताएगा। तो होपफुली यही कोशिश करूंगा कि आपको सही गाइडेंस दे पाऊं, सही तरीके से समझा पाऊं और जितना हो सकता है मेरी तरफ से ये मैं कर दे रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये मैं खुद के लिए भी करता हूं, बिकॉज इससे मेरा अच्छा रिवीजन होता है प्लस मेरी प्रिपरेशन अच्छी होती है। तो चलिए, और आप लोग का सपोर्ट और प्यार तो मिलता ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।